हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नटवर चौधरी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2018 की पॉलिटिकल साइंस की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। दोस्तों, यहां पर बात करते हैं सिंगल डिजिट पैटर्न के आधार पर, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस व्यू में मैंने करीब 400 प्लस डाटा एकत्र किए हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पॉलिटिकल साइंस में जो पोस्ट हैं 815 हैं, और मैं ये मानता हूँ कि जिसमें यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, जितनी पोस्ट हैं उसके मुकाबले यदि 50% भी डाटा अपने पास अवेलेबल है तो बहुत शानदार एनालिसिस निकल जाता है, अच्छा व्यू निकल जाता है। इससे पहले मैंने कल ही एक वीडियो भी जारी किया जिसको कुछ भाई बहनों ने देखा, तो मैं वहाँ बताना चाहूँगा, साथ में माफ़ी भी चाहता हूँ कि मेरे पास जो पहले डाटा थे वो करीब 170 के आसपास थे, लेकिन मैंने मांग की थी कि मुझे डाटा ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल कराएं, लेकिन ज़्यादा डाटा ना आने के कारण फिर मेरे को वीडियो बनाना पड़ा और उसके बाद मुझे काफ़ी डाटा दिए गए। फिलहाल की बात करूं तो करीब 425 के आसपास डाटा हैं, जो कि मैं मानता हूँ कि ये पर्याप्त डाटा हैं। और अब जो भी कट ऑफ आई है, जो भी व्यू मैंने बनाया है, वो आप सभी के सामने पेश कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि धोखे में ना रख कर सभी को यानी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अच्छी से अच्छी दी जाए, इसलिए मैंने उस वीडियो को रिमूव किया। तो दोस्तों, इसमें देखते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी में दोस्तों मेल की 189 के आसपास, जबकि फीमेल की 175 के आसपास कट ऑफ जा सकती है। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में मेल की 191 के आसपास, जबकि फीमेल की 176 के आसपास। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी में मेल की 196 के आसपास, जबकि फीमेल की 184 के आसपास कट ऑफ जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है प्रथम बार दिया गया है, जो कि 10% के आसपास दिया गया है। यहाँ पर मेल की जो कट ऑफ है 211 के आसपास, जो कि फीमेल की 207 के आसपास जा सकती है। ओबीसी कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी में मेल की 215 के आसपास, जो कि फीमेल की 209 के आसपास जा सकती है। अंत में बात करते हैं जनरल कट ऑफ की। जनरल में मेल की 223 के आसपास, जबकि फीमेल की 217 के आसपास जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि काफ़ी लोग कह सकते हैं, जो आपने प्रीवियस जो वीडियो डाला था उसमें आपने काफ़ी लो बताई थी। दोस्तों, उसका रीज़न यही है कि डाटा जब तक पूर्ण ना हो, क्योंकि आप सभी जल्दबाजी में चाह रहे थे कि कट ऑफ दें, मैं जबकि वहाँ पर एग्री नहीं था। तो अब जैसे ही वीडियो डाला गया था तो उसके बाद मेरे पास पूर्ण डाटा आए, करीब 425 डाटा हैं। कोई भी यदि चाहता है डाटा देखना तो मेरे से देख सकता है, पर्सनल व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा। और इससे पहले भी मैंने जो 7 सब्जेक्ट के कट ऑफ व्यू दिए हैं उनमें पूर्ण डाटा थे। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि यदि 50% डाटा भी जिस सब्जेक्ट की जितनी पोस्ट हैं उतने आ जाएँ तो बेस्ट से बेस्ट एनालिसिस माना जाता है। और जो मैं निर्धारित करता हूँ, और जैसा मैंने देखा है सेकंड ग्रेड में सभी कट ऑफ लगभग जो मैंने बताई थी वही गई थी, और अब की बार मैंने सिंगल डिजिट पैटर्न रखा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो ये कट ऑफ बताई है बहुत शानदार रहने वाली है, इसमें अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। अंत में जो रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट आरपीएससी के द्वारा, तब तक यही रिजल्ट यही व्यू रहेगा, नो चेंज दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें पॉलिटिकल साइंस के जितने भी ग्रुप हैं। धन्यवाद दोस्तों।